दुनिया में हर जगह आपको बहुत सारे फॉर्म भरने पड़ते हैं, और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जर्मन फॉर्म को कैसे भरें। देखते रहिए। पर सबसे पहले आप इस डिस्क्लेमर को पढ़ लीजिए और चलो अब कंटिन्यू करते हैं। तो जब आपको फॉर्म भरना हो तो यहाँ पे यदि नेम लिखा हो, नाम लिखा हो, तो इसका मतलब होता है कि आपको अपना सरनेम लिखना है। तो नामे और नाकनामे का मतलब हुआ इस जगह में आपको अपना सरनेम लिखना है। और फर्स्ट नेम यदि लिखना हो तो उसके लिए लिखा होगा फोर नामा, और यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम लिखना पड़ेगा। एड्रेस को कहते हैं फॉर्मल लैंग्वेज में अनश्रिफ्ट या एड्रेस है। तो इंडिया में इंडिया में एड्रेसेस थोड़े डिफरेंट होते हैं, जर्मनी में इट्स वेरी स्पेसिफिक। तो उसमें आता है स्ट्रीट का नेम मतलब स्ट्रासे, देन हाउस नंबर हाउस न्यूमा, एंड देन द पिन कोड दैट मीन्स पोस्ट लाइट साल, एंड द नेम ऑफ द प्लेस और वो नॉट। सो विद दीज फोर डिटेल्स से आप जो है वो आराम से किसी भी एड्रेस को ढूंढ सकते हो। देन कभी कभी आपको अपना टेलीफोन नंबर भी देना होता है। तो यूजुअली टेलीफोन का नॉर्मल मतलब हुआ कि आप अपना लैंडलाइन नंबर दीजिए, पर आप अपना हैंडी नंबर या फिर अपना मोबाइल नंबर भी दे सकते हैं। देन कभी कभी आपको अपनी जन्म तिथि भरनी पड़ती है। तो ये भी हिंदी जैसा ही है। गेबोर्ड का मतलब हुआ जन्म और दातुम का मतलब हुआ तिथि, और इन द सेम वे गेबोर्ड का मतलब हुआ जन्म और ओड का मतलब हुआ स्थान। तो यदि आपको अपने पैदा होने की जगह का नाम लिखना हो तो आप इस जगह में लिखेंगे। देन जब आपको अपना लिंग लिखना होता है तो उसके लिए कॉलम बना होता है गेस्टलिस्ट का, और सारी दुनिया की तरह आपको भी यहाँ पे मेल या फीमेल में से कोई एक चूज करना पड़ेगा। तो मेल के लिए होगा मैनलिश और फीमेल के लिए होगा वाइपलिश। अपना रिलीजन जो है वो आप कन्फेशन या रिलीगियन के कॉलम में लिखेंगे, और आप जैसे हिंदू रिलीजन के लिए हिंदूइस्मस लिख सकते हैं, मुस्लिम के लिए इस्लाम और क्रिश्चियन के लिए क्रिसलिश। उसके अलावा यहाँ पे एथिस्ट लोग भी बहुत जनरली एक्सेप्टेड हैं। तो यदि आपका रिलीजन नोन ना हो तो आप एथिस्ट भी लिख सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन अधिकतर फॉर्म्स में आपको अपना स्टार्ट साइन गेहोरिशकाइट लिखना पड़ता है, दैट मीन्स कि आप कौन से देश को बिलोंग करते हैं। और उसके अलावा आपको अपना फैमिलियन स्टैन या फिर अपना रिलेशनशिप स्टेटस बताना पड़ता है। यदि आप सिंगल हैं, अनमैरिड हैं, तो आप लीडिंग लिखेंगे। यदि आप मैरिड हैं तो फरहराइटेड लिखेंगे, और यदि आप डिवोर्स्ड हैं तो आप केशीडन लिखेंगे, और यदि आप विडोड हैं तो आप फरविडविड लिखेंगे। देन आपको अपना अपने प्रोफेशन के बारे में बताने के लिए आपको कॉलम में लिखना बिरूफ के कॉलम में भरना पड़ेगा। तो बिरूफ का मतलब हुआ कि आपका प्रोफेशन क्या है। एंड हर फॉर्म को भरने के बाद आपको जो है वो राइट हैंड कॉर्नर में साइन करना पड़ता है, और जहाँ आपको साइन करना है वहाँ पे उंटरश्रिफ्ट लिखा होता है। और देन लेफ्ट हैंड साइड के कॉर्नर में आपको यूजुअली जगह का नाम, ओट, एंड किस दिन आपने उसको भरा तो उसकी डेट लिखनी पड़ेगी। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, और आई विश कि आपके सारे काम अच्छे से हो जाएं। थैंक यू, बाय बाय।